नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर बोर्ड के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही गुरु नानक देव की 550वां प्रकाश पर्व का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर बोर्ड कर्मचारियों को न केवल पदोन्नति का तोहफा मिला बल्कि सातवें वेतन आयोग का भी उन्हें जल्द लाभ दिए जाने की बात बोर्ड अधिकारियों ने कही। 8 बोर्ड को बने हुए 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे सब कर्मचारियों ने तय किया कि इस बार हम पूरे देश भर में जो मनाया जा रहा है 550वां गुरु नानक जी का जन्मदिन प्रकाश पर्व के नाम से हम अपने बोर्ड में मनाएंगे। तो इसलिए हमने मुख्य अतिथि के रूप में आज डीसी साहब को बुलाया और मुख्य वक्ता के रूप में सरदार गुरु प्रचंद सिंह मोखा जी को बुलाया। सर, कुछ कर्मचारियों के आज तोहफा भी दिया गया है, कितने कर्मचारियों को तोहफा दिया गया, उनको प्रमोशन का लाभ दिया गया है? हाँ, तो आज इस प्रकार का मामला था कि भाई बोर्ड अपना 50वां वर्ष मना रहा है, स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बोर्ड अधिकारी कर्मचारियों की कुछ प्रमोशन रुकी हुई थी, आज उनकी पूरी कर जाएगी। मेरे ख्याल से 8-9 कर्मचारी इस प्रकार के हैं। और एक सीएम साहब जब आए थे घोषणा हुई थी कि भाई बोर्ड के कर्मचारियों को 7वां वेतन मार्ग दिया जाएगा, तो उसमें डीसी साहब से एक निवेदन बाकी था कि मैं नंबर लगे, तो डीसी साहब ने आज घोषणा की कि भाई मैं नंबर लगा करके सीएम ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन भेज दूंगा। तो उस नाते से कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी, वो इंक्रीमेंट भी सितंबर के महीने में दी जाएगी। सातवें वेतन आयोग का लाभ भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को जल्द मिलेगा। सर, इस तरह के जो आयोजन, और तीसरा जो हमारे बोर्ड के कच्चे कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी में लगे हुए हैं, उन कर्मचारियों को डीसी रेट पर जो कार्य दिया जाता था, डीसी साहब की तरफ से की बार स्पेशल आदेश हुए थे कि भाई सब कर्मचारियों को एक कैजुअल लीव मिलेगी और छुट्टी वाले दिन अवकाश रविवार का जो एक रविवार अवकाश मिलेगा, तो हम बोर्ड में अपना इसको लागू करेंगे। भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।